हेलो गाइस, मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ऑलराउंडर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए तीन तरीके के मोदक लेके आई हूँ। इस गणेश उत्सव में आप लोग ज़रूर इन मोदक को बनाइएगा। ये बहुत दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं इसे जा रही हूँ इंजॉय करने, आप भी जाइए इसे बनाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हमने घी लिया है एक कप। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब कुछ लिख के दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने दो कप बेसन लिया है और इसे हम लोग अच्छे से लाइट डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमने घी लिया है एक कप, इसे भी हम लोग डाल लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रेंड्स वो कढ़ाई बहुत बड़ी पड़ रही थी, इसलिए मैंने ये छोटी कढ़ाई ले लिया है। तो ये देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग ठंडा कर रहे हैं, थोड़ी देर ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें पीसी चीनी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने पीस लिया है चीनी को, इसमें हम लोग डाल रहे हैं। आप लोग जितना चीनी खाते हैं उतना ही डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, बिलीव नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीके से हमने बनाया है ये तीनों के तीनों मोदक, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मैंने मोदक का मोल्ड लिया है फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो भी मैंने इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगी कि मोदक के मोल्ड के बिना आप लोग हाथों से कैसे मोदक बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा और इजी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। एक्स्ट्रा जो ये निकला है इसे हम लोग अच्छे से दबा देंगे। और अब इसे खोलेंगे, ये देखिए। वाओ, कितना अच्छा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं इसे एकदम केयरफुली से निकाल लेती हूँ बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक हम लोग का बन के रेडी हो गया है और हम लोग बना ले रहे हैं। ये देखिए, एकदम आराम से निकालेंगे। हेयर इज रेडी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग के ये मोदक बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं बाकी के मोदक बना के आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे मोदक मेरे बन चुके हैं, ये देखिए। मैंने इसे गार्निश कर लिया है बादाम से और अब आप लोग इसे ठंडा करके इसका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए दूसरे मोदक की तरफ। दूसरा हम लोग मोदक बनाएंगे खोए से। तो यहाँ मैंने खोआ बना लिया है पहले से ही और इसमें मैं अब चीनी डाल रही हूँ। आप लोग बाज़ार से भी खोआ ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, थोड़ा सा जो खोआ है मेल्ट हो गया है चीनी की वजह से, तो उसे भी हम लोग एकदम अच्छे से सुखा लेंगे। तो अभी थोड़ा सा और मेल्ट होगा और खोआ थोड़ा और गीला होगा, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सुखा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, खोए में हमने चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गया है खोआ हम लोग का। तो इसे मैं 2 अलग अलग निकालूंगी, ये देखिए एक मैंने ऐसे सिंपल निकाला है और इसमें मैं थोड़ा चॉकलेट डालूंगी, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ और अब मैं इसमें चॉकलेट डालूंगी। आप लोग चाहे तो चॉकलेट नॉर्मल जो डेयरी मिल्क का चॉकलेट होता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप डाला है, या तो आप लोग चाहे तो कोको पाउडर है उसे भी आप लोग डाल के मिक्स करके बना सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट सिरप था तो मैं उसी से बना रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर हम लोग ठंडा कर लेंगे और इसे भी हम लोग ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ ये ठंडा हो चुका है हम लोग का फिलिंग और अब हम लोग मोदक के जो मोल्ड है उसमें एक बादाम रख देंगे और अब जो फिलिंग है उसे हम लोग भर लेंगे। हम लोग बादाम इसलिए रख रहे हैं जैसे मोदक दिखने में सुंदर लगे। आप लोग चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और केसर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे अच्छे से हम लोग को भरना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग अच्छे से भरेंगे। तो फ्रेंड्स इसे अब हम लोग खोल रहे हैं। वाओ देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम लोग निकाल लेते हैं, एकदम केयरफुली हम लोग को निकालना है। ये देखिए कितने आराम से निकल गया और इसे अब मैं प्लेट में रख देती हूँ। तो देखिए तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं और ऐसे ही मैं एक और बना लेती हूँ। आप लोग चाहे तो एक तरफ ये चॉकलेट वाला रखें और एक तरफ खोए वाला रख के भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक खोए का बनाऊंगी और एक चॉकलेट का बनाऊंगी। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब मैं ऐसे ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए एक साइड हमने भर लिया है और अब मैं दूसरे साइड भर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके जो एक्स्ट्रा है हम लोग उसे निकाल ले रहे हैं, ये देखिए। और अब मैं इसे खोलूंगी
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितने सिंपल तरीके से हमने बनाया है इसे। ये देखिए और फ्रेंड्स मेरी एक मोदक की एक और वीडियो है, तो आप लोग उसे भी जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब मैं एक खोए का बना रही हूँ, यहाँ देखिए आप लोग, इसे मैंने एकदम अच्छे से भर लिया है और एक्स्ट्रा जो है मैं निकाल दे रही हूँ। अब मैं इसे खोल रही हूँ, ये देखिए देखिए कितना इजी और कितना सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। आप लोग चाहे तो गार्निश जैसे मैंने आपको बताया है कि बादाम रख के भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक आपको वैसे बना के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मोल्ड में सबसे पहले हम लोग ने रखा है बादाम और अब मैं खोए वाला स्टफिंग भर रही हूँ। ये देखिए एक साइड हमने भर दिया है, अब हम लोग दूसरे साइड भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ हमने अच्छे से भरना है और अब ये बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना।